हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेपी ग्रीन एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट योर क्यूटेस्ट चैनल सारण आईटीजी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास टेंथ के ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। इट मीन्स जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.4 के, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी के अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चंस के 6th नंबर पार्ट्स से। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th है और क्वेश्चन नंबर 5th में टोटल 10 पार्ट्स दिए गए थे, जिसमें से पहले के 5 पार्ट्स हम लोग 1 by 1 करके प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बचे हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 5th नहीं करना है, 5th हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉरी, कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 6th पार्ट से करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट द क्वेश्चन फॉर यू इज 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज LHS। हम लोग LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे। LHS में जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे, दैट इज 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 - sin a। अब हम क्या करेंगे? यहाँ रूट वाले क्वेश्चन आ गए थे। जब भी रूट आता है तो जनरली स्टैंडर्ड 9th में से हम ऑलरेडी सीख कर आए हैं कि रेशनलाइज कर देना है, जिससे कि रूट क्या हो जाए, डिनोमिनेटर रूट के बाहर आ जाए। वही प्रोसेस यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, रूट थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे और रेशनलाइज करने जैसा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करते जाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 - sin a है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 + sin a लिखना होगा। 1 + sin a, यहाँ भी 1 + sin a, और इस तरह से यह सॉल्व होकर हमारे पास आ गया रूट ओवर 1 + sin a, 1 + sin a, न्यूमरेटर में 1 + sin a और 1 + sin a दो बार है। इट मीन्स इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे, 1 + sin a का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इससे हो जाएगा a² - b² दैट इज 1² - sin² अब एक स्टेप और हम पढ़ाते हैं आगे, 1 - sin a का द होल स्क्वायर हो जाएगा सॉरी 1 - sin a का द होल स्क्वायर, 1 + sin a का द होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में 1 - sin² a, 1 - sin² a कैन बी रिटन एज cos² a। 1 - sin² को a को हम क्या करें, पहले एक स्टेप और थोड़ा सा करते हैं, बच्चों को और सही ढंग से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्टेप हमारा एक आगे क्यों ना बढ़ जाए, उससे कोई अंतर नहीं है। 1 + sin a का द होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास cos² a। नाउ वी मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड राइट 1 + sin a का द होल स्क्वायर और cos² है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उस स्क्वायर को हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, स्क्वायर को ही कॉमन ले लेंगे।
वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए आ गया। और इस तरह से जैसे ही हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे हमारे पास जो आ गया, और कॉस ए को दोनों के अपॉन में मतलब सेपरेट कर देते, कॉस ए को सेपरेट कर देंगे, दैट इज वन के अपॉन में भी इसको डाल देंगे, वन बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों को सेपरेट कर देंगे, कॉस को दोनों के हिस्से में दे देंगे। और इस तरह से हमारे पास आ गया से के प्लस टेन ए। जैसे से के प्लस टेन आया हमें क्या खुशी मिल रही है, हमें यह खुशी मिल गई कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आरएचएस भी हमारा यही था, और इस तरह से यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए डन हो गया। यानी कि हम फिर प्रीवियस वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी हम वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ कितने विकेट बच गए हैं, कितने क्वेश्चन बच गए हैं, तो ट्राइग्रामेट्री में सिर्फ और सिर्फ चार क्वेश्चन और बचे हैं, और फटाफट उन सारे क्वेश्चंस को भी हम निपटाते हैं। यह तो हो गया हमारा फर्स्ट सिक्स पार्ट हो गया। अब सेवेंथ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नाउ वी टेक द सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सिक्स पार्ट को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सिक्स पार्ट को करते हैं, और सिक्स पार्ट का जो क्वेश्चन है, सिक्स तो हो गया, सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है बच्चों? प्रूव हमें करना है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ टेन थीटा दिया होना चाहिए। यस, टेन थीटा दे रखा है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। वी टेक द एलएचएस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट को हम राइट डाउन करेंगे। जैसे इसका एलएचएस पार्ट राइट डाउन करेंगे हमारे पास मिल जाएगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे आगे, और जैसे ही हम आगे एक तरफ मूव करते हैं हम देख रहे हैं कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड से हम कॉमन निकालने के एबल हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। दैट इज न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा। अब जरा रिजल्ट की तरफ हम जाते हैं, तो रिजल्ट तो बता रहा है कि टेन थीटा चाहिए, और टेन थीटा का होता है साइन बाई कॉस, यानी साइन बाई कॉस तो हमारे पास आ गया, टेन थीटा भी आ गया है। इट मीन्स ये दोनों टर्म जो दिखाई पड़ रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, यह अवश्य ही कैंसिल होंगे, दे मस्ट बी कैंसल्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि जब तक ये कैंसिल नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा नहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। अब कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? द रीजन यह है कि एक में साइन स्क्वायर है दूसरे में कॉस स्क्वायर है, यानी कि हम दोनों को सेम आइडेंटिकल ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, सेम ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। जैसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फटाफट बच्चों बिना देर किए, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, वी शुड ट्राई टू कैंसिल इट, दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते चले जाएंगे विदाउट अल्टरिंग द सीक्वेंस और टर्म्स। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ते हैं। यहाँ जब इतने सारा स्पेस है तो हम क्यों नीचे जाएं? यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा, वन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज टू, अब प्लस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किए हैं, यानी कि एज इट इज लिखते चले जाना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक स्टेप और लेगा यह क्वेश्चन, और इसके साथ ही यह क्वेश्चन बोल्ड हो गया, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड हियर कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस तरह से हमारे पास आ गया टेन थीटा, टेन ए लिखा रहा है, टेन थीटा दैट इज आर एच एस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और हैंस वी कैन राइट प्रूव्ड। तो इस तरह से एक और विकेट गिर गया और हम अपने मैच की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, दैट इज बचे हुए थ्री और क्वेश्चंस को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेवेंथ नहीं हो गया, एट्थ, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, अब हम एट्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जैसे एट्थ क्वेश्चन की आगे तरफ आगे बढ़ेंगे हमें क्या मिलेगा, इससे साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको और हम पावर देते हैं और इससे ये पूरा का पूरा बोर्ड साफ होते हुए। वन बाई वन करके ईच स्टेप में हम इस चैप्टर को ट्राइगोनोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर एट्थ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ में दे रखा है प्रूव दैट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, दो से तीन बार आ चुका है ये क्वेश्चन। टेन सॉरी साइन ए प्लस कॉस ए का द होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का द होल स्क्वायर प्लस यहां हो गया कॉस ए, कॉस ए प्लस सेक ए का द होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूफ करके लाना है, सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेवन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फील्ड को सजाएंगे, दैट इज सॉल्यूशन लिखेंगे, अगले स्टेप में एलएचएस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, एलएचएस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट राइट डाउन करेंगे। तो एलएचएस पार्ट में क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं, यहाँ दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का द होल स्क्वायर, और इधर हो गया है कॉस ए प्लस सेक ए का द होल स्क्वायर। मूव करते हैं आगे, जैसे ही मूव करेंगे हमारे माइंड में सबसे पहले कौन सा आइडिया आया, नॉट एयर टेल आइडिया कौन सा आ रहा है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का द होल स्क्वायर है, इट मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे इसको भी और इसको भी, दोनों को ब्रेक करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस टू इंटू ए बी, यानी कि साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब राइट साइड में जो दे रखा है उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल से हो गया, बहुत इजी वे में हम कर दिए, क्या करना था दोनों ब्रैकेट को ओपन करना था। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को दे देंगे कॉस स्क्वायर ए, और जैसे देंगे हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी, क्या मिलेगा, वन मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन मिल गया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है, इसकी वैल्यू वन होती है, प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम दे चुके हैं साइन स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के पास चला गया है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ अभी भी सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है प्लस टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू, कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू वन हो गई, और इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, यहाँ हो गया कॉस ए के स्क्वायर ए प्लस टू हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू हो गया। अब जैसे हम देख रहे हैं
कि हमारे पास 2 प्लस 2 4, 4, 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, लाना था 7, ला चुके हैं 5, 2 और घट रहा है, कोई बात नहीं 5 हो गया। कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्या है, सेक स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए है, दोनों दे रखा है, हमें क्या चाहिए टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे कॉट स्क्वायर में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और यह जो सेक स्क्वायर बच रहा था इसको भी चेंज कर देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है, और इस तरह से हमारे पास 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस तरह से यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ क्लीन बोल्ड हो गया और हम जीत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव जस्ट डन द क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ाते हैं, दो और विकेट है, दो और क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में टोटल 10 के 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्रिकेट मैच में 10 विकेट्स होते हैं उसी तरह यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो कमेंट्री के लहजे में ही इस वीडियो को क्लोज करना है। गुड, नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज 9th विकेट ऑफ दिस मैच, क्वेश्चन नंबर 9th। फिफ्थ का 9th पार्ट हम लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, वी हैव टू प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस है, सेक ए माइनस कॉस है, प्रूव करके लाना है 1 डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वी टेक द एलएचएस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन एंड टेक द एलएचएस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट हम राइट डाउन करेंगे। एलएचएस पार्ट दे रखा है यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस की फॉर्म में हम चेंज करेंगे, दैट इज साइन तो दे रखा है, कॉस दे रखा है, सेक और कॉसेक है, इट मीन्स सेक और कॉसेक को साइन या कॉस की फॉर्म में चेंज करें, दोनों में से जो अप्लीकेबल है, जो वहाँ नीड होगा। कॉसेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटेन एज, कैसे लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रिटेन एज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब कॉस ए से एक कॉस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, और हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, यह तो हमारा एलएचएस पार्ट हो गया। रिजल्ट में चाहिए टेन ए प्लस कॉट ए, रिजल्ट में चाहिए टेन ए प्लस कॉट ए, वही डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को लाने के लिए हम इसको एक बार और यहाँ राइट डाउन करते हैं, पहले अपॉन की साइन डाल देते हैं, ऊपर हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 राइट डाउन कर दिए, क्लियर हो गया। अब इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए न्यूमिनेटर में रहेगा, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
क्योंकि साइन ए और कॉस ए की फॉर्म में लिखना था। न्यूमिनेटर में कॉस ए इंटू साइन ए रह गया एज इट इज, जहां वन था डिनोमिनेटर में वन कैन बी रिटेन एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी भी हम रिजल्ट से थोड़ा सा दूर दिखाई पड़ रहे हैं, रिजल्ट में चाहिए न्यूमिनेटर में वन चाहिए, तो न्यूमिनेटर में वन आएगा तब जब हम न्यूमिनेटर को कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड करते हैं। जैसे न्यूमिनेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, दैट इज कॉस ए इंटू साइन ए से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया वन, अब डिनोमिनेटर को देखना है, तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए दे रखा है इसको दोनों के अपॉन में सेपरेट कर देंगे, यानी कि बीच में प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ कॉस ए स्क्वायर ए तो दे ही रखा है, यहाँ भी हम डाल देंगे कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर से कॉस कटेगा, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन कटेगा, और हमारा रिजल्ट दैट इज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिजल्ट RHS मिल गया। क्या मिल गया, साइन बाई कॉस टेन ए, और यहाँ कॉस बाई साइन कॉट ए विच इज इक्वल टू और आइडेंटिकल टू आवर राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो बच्चों इस तरह से हमने नौवां विकेट डाउन कर दिया, और बचे हुए लास्ट विकेट के लिए बहुत आक्रामक रुख अपनाएंगे और उसको फटाफट आउट करेंगे, और इस तरह से इस वीडियो को, इस चैप्टर्स को और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। Now we take the last questions of this chapter, this exercise and these questions. Last part of question number 5th. We have to prove that 1 plus tan square a divided by 1 plus cot a square. 1 minus tan a, 1 minus cot a, यहाँ द होल स्क्वायर है, और सारे प्रूफ होंगे tan स्क्वायर a, यानी कि दोनों पार्ट को हमें tan स्क्वायर a के इक्वल लेकर आना है। अब इसमें तीन पार्ट है, तो बच्चों के सामने समस्या यह आ जाती है कि इसमें LHS कौन होगा, RHS कौन होगा, तो LHS होगा, यह LHS हो गया, RHS हो गया, ये मिडिल टर्म लिखा जाएगा, मिडिल पार्ट लिखा जाएगा इसको, इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन आ रहा है। वी टेक द LHS पार्ट ऑफ द LHS पार्ट को भी सॉल्व करके हमें RHS के इक्वल आना है, मिडिल पार्ट को भी सॉल्व करके RHS के इक्वल आना है। तो हम LHS वाले पार्ट को पहले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फटाफट हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, याद करो और बताओ देकर, याद तो हो गया होगा ना, अब तक चैप्टर तो क्लोज हो रहा है तब तक याद आप लोग कर चुके होंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटेन एज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटेन एज 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब एक स्टेप और करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और जैसे 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा रिजल्ट दैट इज टेन स्क्वायर ए आ गया। कैसे आ गया, तो न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर ए बच गया और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए गिव्स अस टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS
पार्ट, यह आरएचएस पार्ट इक्वल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, यहां लिख देंगे मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट लेंगे, एलएचएस तो हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहां लिख भी सकते हैं कि यह आरएचएस के इक्वल आ चुका है। अब मिडिल पार्ट को भी आरएचएस के इक्वल लाना है। मिडिल पार्ट में वन माइनस टेन ए और वन माइनस कॉट ए का द होल स्क्वायर दिया हुआ है, वन माइनस कॉट ए का द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाला पार्ट कौन तो लिखते रहेंगे, और यहां जो इनसाइड दे रखा है ब्रैकेट के इनसाइड, उसमें से ईच एंड एवरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। टेन ए कैन बी रिटन एज साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, वन माइनस कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए, न्यूमरेटर का हो गया, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया जी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्पेस तो चाहिए, स्पेस हम जनरेट करते चले जाएंगे। स्क्वायर को हम लिख देंगे, पहले ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर दे देंगे और इनसाइड में हम काम करेंगे। यहां हो गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां साइन ए चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है, जबकि यहां कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है, तो यहां से हम क्यों ना माइनस कॉमन निकालें। माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए। क्यों कॉमन निकाला, कॉमन इसलिए निकाला कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। अगर हम साइन ए माइनस कॉस ए लिखते तो कैंसिल नहीं कर पाता, कैंसिल करने के लिए, कैंसिल होने के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है, आइडेंटिकल होना जरूरी है, तो इसके लिए हम माइनस कॉमन निकालें। एक स्टेप बचा लिए यहां से, नहीं तो हम एक बार नोट करते फिर अगले स्टेप में माइनस कॉमन निकालते। अब हमारे पास आ गया स्क्वायर तो पहले से है ही, वहां न्यूमरेटर में आ गया साइन और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस, और माइनस तो रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के पहले साइन बाई कॉस को एक बार थोड़ा सा दे देते हैं टेस्ट, क्या आ गया टेन ए हो गया, और स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस में कन्वर्ट होता है, और टेन स्क्वायर ए फीच इज इक्वल टू आर एच एस। और इस तरह से हमने देखा कि एल एच एस पार्ट भी आर एच एस के इक्वल आ गया, मिडिल पार्ट भी, मिडिल पार्ट का स्पेलिंग गलत लिखा गया जी, हाँ मिडिल पार्ट का भी आरएचएस के इक्वल आ गया। और इस तरह से हमारा यह चैप्टर, यह एक्सरसाइज, यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वे भी मैथ सीख सकें, घर पर रहते हुए मैथ सीख सकें विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क इन दिस कोविड पीरियड। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।